योर मेंटर चिलजोड़िया। तो प्रीवियस वीडियो रे हमें डिस्कस करते ऑल अबाउट तुम डीएनए रो विषय रे। आज रो वीडियो रे हमें डिस्कस करियो ऑल अबाउट तुम व्हाट इज आरएनए एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। ओके सो जो मैंने प्रीवियस वीडियो देखी ना तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिल जाव तुम से वीडियो टी चेकआउट कर पारिबो। टुडे वी विल गोना टॉक अबाउट तुम आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके सो ये जो आरएनए देखुछ तार फुल फॉर्म जमीक मुझे तुमको कहली राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज ऑल्सो मेड अफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सो ऑन। ओके बट जोमती आम डीएनए थिला फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेमती ए मॉलिक्यूलटा भी गोटे वाइटल मॉलिक्यूल आउ ऑल लिविंग सेल्स रे इटा आमको देखिया को मिले। ओके आउ ये जो जमती आम डीएनए रहिला ये भी डीएनए पर टिके सिमिलर बट सेल रो भितरे आरो अलग काम रहता है डीएनए रो अलग काम रहता है। आरएनए को जदि आमे कहियो को जिया एटा गोटे सिंगल स्ट्रैंडेड बट सेम केस रे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके न्यूक्लिक एसिड दैट प्लेज ए एसेंशियल रोल इन द फॉर्म ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। मतलब कि डीएनए जो काम करे आरएनए ऑलमोस्ट अबाउट कि सेमती काम किसीटा करे बट डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर बट सेम केस रे आरएनए इज नॉट लाइक दैट। ओके सो स्ट्रक्चर कथा कहो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ आरएनए। ओके so let's get talk about now if you can see right over here is the single strand of the RNA right now that is also made up of sugar phosphate backbone amar jo phosphate group rahila ki sugar group rahila sei tar matlab ki tar backbone re amar ee single strand ta theory heichi and also ee jo tumhe dekho chha different different colors se represent karaichi that all about tumara साइटोसिन हैला गोनाइन हैला कि एडेनाइन हैला कि यूरोसिन हैला बट डीएनए केस रे सेम लाइक कि ये जो यूरोसिल तुम देखो इन दिस प्लेस ऑफ यूरोसिल यू विल गोना गेट देयर थायमिन। ओके जस्ट लाइक कि ए तुम पेयर होता टी सहित डीएनए रे बट राइट नाउ इन केस ऑफ आरएनए यू हैव ए विल गोना पेयर विथ द यू एंड ए ऑलवेज पेयर विथ द जी सॉरी जी ऑलवेज पेयर विथ द सी। ओके सो लेट अस एनालिसिस दैट whenever we talk about the structure of RNA that concludes nucleotides. Now you have idea about the nucleotides why because we discussed with you about the nucleotides on our previous video. Now RNA is composed of nucleotides which consist of three major components. मतलब कि ये जो nucleotides रहला यार तीनटा major components अच्छी जमी कि sugar group है कि तुम फॉस्फेट ग्रुप है कि तुम नाइट्रोजनस बेस है ना जी तुम सुगर कथ कौच जनरली आरएनए जो राइबोसटा मिलूँ तुमको आज कौन ना गोटे ऑक्सीजन आटम अधिका थी मतलब कि देखो जनरली जो द सुगर कंपोनेंट दैट आरएनए राइबोस व्हिच हैज वन मोर ऑक्सीजन आटम दैन द राइबो डीऑक्सीराइबो सुगर इन फाउंड इन डीएनए। सिंपल भाषा कह डीएनए रे जो तुम सुगर मलिकुलटा देखा मिलूँगी ताठ आरएनए रे जो सुगर मलिकुलटा देखा मिलूँ तेरे गोटे ऑक्सीजन बस खाली एक्स्ट्रा थी आउ कि भी एक्स्ट्रा जिनस नुहे आउ फॉस्फेट ग्रुप तो तुम जान कि जोटा कि फाइव डैश कार्बन आटम सहित आठ अच्छा थी जोटा कि फाइव डैश जोटा कौटा आम कौन ना लेट्स से यहाँ तुम फॉस्फेट सुगर बैकबोन यही पार्टा हूँ तुम कौन कह ना यही पार्टा हूँ तुम दैट इज योर फाइव डैश एंड दिस वन इज योर थ्री डैश। ओके ना ए फाइव डैश पार्ट रे हमर कोइता है ना फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गई था जोटा कि मु पीआई ऊपर रिप्रेजेंट करो छी। ओके ना एमटी जते फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गई था ना ये सब मतलब कि डीएनए भी अटैच हो गई था आरएनए भी अटैच हो गई था ना नेक्स्ट इज ऑल अबाउट तुम नाइट्रोजनस बेस आउ सिंपल भाषा कह गए आरएनए रे तुमको चारटा नाइट्रोजनस बेस देखा मिले व्हिच इज एडेनाइन यूरोसिल गुआनाइन एंड साइटोसिन। एडेनाइन पेयर हुए तुम यूरोसिल सहित आउ तुम गुआनाइन पेयर हुए तुम साइटोसिन सहित बट ये जो पेयरिंग हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड वी नो अबाउट दिस इन द डीएनए लेक्चर एज वेल। ओके नाउ जो नेक्स्ट जिनसा जो स्ट्रक्चर देखा मिले व्हिच इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टिपिकली गोटे मतलब कि कौन जो तुम स्ट्रक्चरटा देखो ना ये गोटे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मतलब कि यार स्ट्रक्चरटा गोटे सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड आज लाइक जस्ट लाइक कि दिस एमती का। ओके ना एथरे बेस पेयरिंग वगैरह थी एमती नॉर्मली नाइट्रोजनस बेस गुड़ाक बट दैट नॉट इंक्लूडेड इन द डबल स्टैंडर्ड बट इन केस ऑफ ए डीएनए यू कैन कॉल दैट दैट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बट इन केस ऑफ आरएनए दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ओके फोल्ड बैक अपन टू इट्सेल्फ फ्रॉम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद द रीजन्स ऑफ बेस पेयरिंग लीडिंग टू द यूनिक ट्राइमर्स। लेट्स
मतलब कि थ्री डायमेंशनल स्टेप जो रहा तार सेफ ए सेफ को तार किए प्रोवाइड कर तुम जो नाइट्रोजेनस बेस रहा से नाइट्रोजेनस बेस अलाउ कर गोटे यूनिक थ्री डायमेंशनल सेप प्रोवाइड करुच्छे आरएनए को। ओके सो लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ आरएनए। नाउ आरएनए परफॉर्म सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड वन ऑफ देम इज जेनेटिक इनफॉर्मेशन ट्रांसफर। मतलब कि आरएनए बहुत सारा तुम फंक्शन परफॉर्म करुच्छे बट फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट दैट कि ये जेनेटिक इनफॉर्मेशन ट्रांसफर करिवारे भी साहय करे। ओके ना देख कौन जेनेटिक इनफॉर्मेशन इज दैट कि वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज टू ट्रांसफर जेनेटिक इनफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। नाउ तुम जो देखुच राइट नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सेल। नाउ देख गोटे सेल रे ओके गोटे सेल देख सेल साइटोप्लाज्म ए एरिया रिप्रेजेंट था। ना ये जो साइटोप्लाज्म रे कौन ना तुम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हे जेनेटिक इनफॉर्मेशन ट्रांसफर हे जोटा कि डीएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस रा साइट को जीव डीएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस साइट को जीव तो ये सब जो ट्रांसफर हो जेनेटिक रो इनफॉर्मेशन दैट ऑल कुड बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द आरएनए। ओके दिस अचीव थ्रू द एमआरएनए। नाउ यू हैव आइडिया अबाउट द एमआरएनए व्हाई बिकॉज कि आम ऑलरेडी डीएनए रो लेक्चर रे डिस्कस करते कि एमआरएनए कौन। ओके नाउ आपको आम अदरवाइज कहूँ मेसेंजर आरएनए भी कहूँ ना या काम कौन ना ये जस्ट ओनली गोटे मतलब कि जमती ट्रक रे आम जिनसटा को लोड करके जाऊे सेमती ये जस्ट क्यारि करे जेनेटिक कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके नाउ ये जो देखु ट्रांसक्रिप्शन नाउ ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कह गए एमआरएनए इज सिंथेसाइज यूजिंग द डीएनए टेम्पलेट। मतलब कि डीएनए रो जो टेम्पलेट रहा यहाँ को ऑलरेडी देखी थी प्रीवियस क्लास रे बट तुम आउ थे देखी जो मैंने कि प्रीवियस क्लास रे नथिलो तो यहाँ जोटा देखु सपोज देख यहाँ डीएनए रहा सिंपली। ओके लेट मी ड्रॉ दैट। ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके ना यहाँ जोटा देखु देख यहाँ हूँ डीएनए रो पार्ट। ना ये डीएनए रो ना आगे कौन हम कह ना ये गोटे स्टैंड यहाँ बाहरी आसो सिंपली एंड ये कौन हम ना ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट। ओके ना देख लांगुएज कह गले ये आमर कौन रहा ना ये स्टैंडटा जो ग्रीन कलरटा देखु गोटे स्टैंडटे ये कौन हम ना या दीर आउ गोटे बाहर को लगे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कौन हम आई प्रोसेस को आम कौचे आमर ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेसटा जोटा ये आउ गोटे बाहर आउ यो येलो कलर पार्टा देखु एथर आउ गोटे बाहर तो ऑटोमेटिकली ये कौन हम ना ये गोटे डीएनए रु तुम दुईटा डीएनए फॉर्मेशन हो जाए एमआरएनए कौचे एंड दैट इज ऑल अबाउट कि जेनेटिक इनफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाज करें। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए रहा ये प्रोटीन सिंथेसिस रे भी गोटे क्रुशियल रोल प्ले करे आउ मतलब कि जो आरएनए तुम देखु ये कौन ना आपको आरआरएनए भी कहते राइबोसोमल आरएनए भी कहते स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग विथ प्रोटीन्स फॉर्म द राइबोसोमल सब यूनिट। जोटा कि ये जो आर आर एन ए क्या तुम्हें कह ना जे कि गोटे मतलब कि प्रोटीन कंपोनेंट थी एलंग विथ राइबोसोमल सब यूनिट को कंटेन करु थी। ओके एंड इट ऑल्सो कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड क्या क्या भितर फॉर्मेशन हुए ना अमीनो एसिड रे तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड तुम्हारा फॉर्मेशन हुए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अमीनो एसिड डिलीवरी। अमीनो एसिड डिलीवरी ये भी गोटे आरएनए रो बहुत बढ़िया फंक्शन टे तुम जो देखुच रहा कि टी आरएनए देख ये डिमेंशन अच्छी ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अडैप्टर्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब कि ट्रांसलेशन टाइप रे ये जो रहा टी आरएनए ये गोटे मतलब कौन अडैप्टर्स भाया काम लगे ना इच टी आरएनए कैरीज ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम एंड इट एंटीकोडन रीजन बेस पेयर विथ द कम्प्लीमेंटरी कोडन इन एमआरएनए। ना एमआरएनए रे तुम तीन प्रेयर वाला थाए आम कोडन बोली कहते जोटा कि स्टार्ट आउ स्टॉप होबार सिग्नल दिखते। ओके सो दिस एनश्योर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। आमर जो पेप्टाइड चेन रहा तेरे अमीनो एसिड जहाँ भी जोड़ी स्टॉप एंड रहा स्टॉप एंड कि बैक एंड रहा तो तेरे ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को सी किए प्लेसमेंट दिए ना आमर ये जो रहा टी आरएनए। ओके नाउ नेक्स्ट देखिबा तुम आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग ये जो रहा देख जनरली वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए सच एज एसएन आरएनए हैला स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड एसएनओ आरएनए हैला स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हैला
इनवॉल्व इन द आरएनए प्रोसेसिंग, मतलब कि आरएनए रो प्रोसेसिंग रे ए दुटा प्रकार रो आरएनए तमरो कोन तने ना स्पेशली यूज रे निया जाए. ओके, दे एड इन द स्प्लिसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द अदर आरएनए मॉलिक्यूल्स एंश्योरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मैच्योर एंड फंक्शनल आरएनए. जो तुम देखो गोटे मैच्योर आ फंक्शनल आरएनए हाबपैका तुम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए रो कौन मतलब कि प्रोसेसिंग हुए जहाँफल कि तुम गोटे मैच्योर आरएनए फॉर्मेशन हो पाए आउ से प्रोसेस को आम आरएनए प्रोसेसिंग मेथड कहू. ओके, देन आफ्टर दैट तुम जीन रेगुलेशन, ये जीन रेगुलेशन देखु विच इज नथिंग बट ये माइक्रो आरएनएस रहा स्मॉल इंटरफेस आरएनएस आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स इनवॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन. आम जो जीन रहा तार रेगुलेट करेबारे भी आरएनए रो क्रुशियल रोल रही. द टारगेट स्पेसिफिक एमआरएनए, मतलब कि एमआरएनए रो जो सिक्वेन्स रहा ना से गोटे निर्दिष्ट एमआरएनए को टारगेट करती लीडिंग टू द एमआरएनए डिग्रेडेशन एंड ट्रांसलेशन इनहिबिशन. द मेकानिजम हेल्प्स टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंसेस वायरल सेलुलर प्रोसेसेस. आमर जहाँ भी सेलुलर प्रोसेसेस हो जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ द जीन दैट ऑल कुड बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ जीन रेगुलेशन डन बाय द आरएनए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरएनए. लेट अस टॉक अबाउट सम टाइप्स ऑफ आरएनए. ओके, नाउ वी फॉरगॉट टू डिस्कस विथ यू अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए व्हिच वी विल गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास, बट लेट अस नो अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए. ओके, सो ये जो टाइप्स ऑफ आरएनए देखो आरएनए आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बट वी हैव टू नो अबाउट सर्टन लाइक कि एमआरएनए टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड सो ऑन. ओके, सो आफ्टर दैट व्हिच इज वी विल गोना टॉक अबाउट एट फर्स्ट व्हिच इज मैसेंजर आरएनए एंड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द न्यूक्लियस इन द राइबोसोम ऑफ साइटोप्लाज्म. मतलब कि साइटोप्लाज्म रे तुम जो मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए टू ट्रांसफर करा जाए ऑल जोटा पॉसिबल हो पारे सीटा एमआरएनए जो पॉसिबल हो पारे. देन जो राइबोसोमल आरएनए कथा तुम कौ राइबोसोमल आरएनए इज नथिंग बट कि ये जोटा गोटे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम जी कि कैटालीटिक रोल प्ले करे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. ओके, सो नाउ आरएनए आउ जो रहा टीआरएनए, नाउ टीआरएनए विषय जब आम डिस्कस करवा ये टीएनए टीआरएनए रहा तो गोटे सेकेंड रु. ओके, नाउ ये टीआरएनए विषय डिस्कस करले टीआरएनए मॉलिक्यूल मतलब कि सिंपली टी स्टार्टिंग मीन्स ट्रांसफर. ओके, अमीनो एसिड यूज टू द राइबोसोमल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंश्योरिंग द एक्यूरेट सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन. ओके, नाउ तुम जो नुआ प्रोटीन तैयारी होन्थेसाइज करापाइका जो टीआरएनए प्रमुख भूमिका रही है. तापर देखा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जोटा कि ऑलरेडी आम डिस्कस कर सारे अपर फंक्शन रे. देन देखो माइक्रो आरएनए जोटा रहा स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए एसआई आरएनए भी ताको कहते. ओके, दिस स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक एमआरएनए सीक्वेंस लीडिंग टू द एमआरएनए डिग्रेडेशन एंड इनहिबिशन ट्रांसलेशन. ओके, सो दिस आर द सच टाइप्स ऑफ आरएनए व्हिच यू हैव टू नो अबाउट. नाउ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जोटा कि आम ऑलरेडी फंक्शन अंडर रे एठी डिस्कस करले तो तुम्हें टी देखी ना ऑलरेडी बुझीपार. आई होप सो, सो एंड दिस आई होप सो कि ये भिडियोटी को तुम बहुत भल लगी. जदि भिडी भल लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो लाइक कर. आदि एमतीका भिडियो देखा चाहो तो आम जो चैनल जुलो जुड़िया को सब्सक्राइब कर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड हियर इज अ कंक्लूजन पार्ट. आउ तुमको यार नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव. दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू.